सो वेलकम एवरी वन इन दिसन वेर वी आर डूंगो हम लोग हमेशा कभी कभी आंसर देते हैं मैं जाता हूँ मैं खाता हूँ आई गो आई ईट कभी कभी हम लोग नेगेटिव में भी बात करते हैं मैं नहीं जाता हूँ मैं नहीं खाता हूँ लाइक आई डू नॉट गो आई डू नॉट ईट सो नॉर्मली हम लोग यही नॉर्मली हम लोग यू you नो know, हमेशा बोलते हैं बट समटाइम्स वी आस क्वेश्चन ऑल्सो कभी कभी हम क्वेश्चन भी पूछते हैं वी आस क्वेश्चन और देखा गया है कि बहुत कम लोग हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे अगर मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपको क्रिकेट अच्छा लगता है तो हम लोग कैसे पूछते हैं यू लाइक क्रिकेट यू लाइक क्रिकेट अगर आप बोलोगे यू you नो know, मैं क्रिकेट लाइक like करता हूं तो आप बोलोगे आई लाइक क्रिकेट लेकिन एक बात बताइए ये इस चीज को समझिए मैं जो क्वेश्चन किया आपको यू लाइक क्रिकेट ये जो सेंटेंस है यू लाइक क्रिकेट क्या ये क्वेश्चन सेंटेंस है नो यू लाइक क्रिकेट ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस है यू लाइक क्रिकेट इट इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस वो तो हम अपने वॉइस के टोन को चेंज कर रहे हैं यू लाइक क्रिकेट आप क्या कर रहे हो आप वॉइस के टोनालिटी को चेंज करके आप उसको क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हो लेकिन ये सेंटेंस गलत है यू लाइक क्रिकेट आपका सेंटेंस होना चाहिए डू यू लाइक क्रिकेट योर सेंटेंस शुड बी डू यू लाइक क्रिकेट सो यू लाइक क्रिकेट ये तो एक नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस है यू लाइक क्रिकेट तुम्हें क्रिकेट पसंद है और इसको हम जस्ट चेंज कर रहे हैं अपने टोन को यू लाइक क्रिकेट टोन को चेंज करके आप क्वेश्चन नहीं बना सकते क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर में भी चेंज लाना पड़ेगा डू यू लाइक क्रिकेट तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्वेश्चन पीपल आप लोगों को कैसे क्वेश्चन करोगे और जब भी हम लोग किसी को क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस हाउ टू आस क्वेश्चन तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस So, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी को फॉलो कर रहे हैं तो आज भी हम लोग टेंस को फॉलो करते करते हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे सो so, जैसा कि टेंस चार्ट तो अभी आप लोग के जबान में जरूर होगा बिकॉज अभी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस चल रहा है तो आपका तो भाई टेंस चार्ट एकदम फर्राटेदार प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए Yes, she knows my number. She is knowing my number. She has known my number. She has been knowing my number. She knew my number. She was knowing my number. She had known my number. She had been knowing my number. She will know my number. She will be knowing my number. She will have known my number. She will have been knowing my number. So, this we already practiced. Now, we will interrogative sentences. You will question. अपने टोनालिटी को चेंज करके आप क्वेश्चन सेंटेंस नहीं बना सकते क्वेश्चन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सो सी हियर हियर द सेंटेंसेस शी इज गोइंग टू मार्केट शी इज गोइंग टू मार्केट तो ये जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव सेंटेंस है एकदम प्लेन सिंपल सेंटेंस और अगर इसका टेंस पूछा जाए तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर यही सेंटेंस को हमको इंटरोगेटिव करना हो तो सबसे पहले देखना पड़ेगा प्लीज गाइस प्लीज लिसन मी दिस वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू मेक इट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मैंडेटरी हमेशा कभी भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस करो मिनिमम दो वर्ब होने चाहिए और आप अच्छे से देख सकते हो यहां पे ऑलरेडी दो वर्ब है द फर्स्ट वर्ब इज ईज एंड द सेकेंड वर्ब इज गोइंग इसका मतलब है ये जो सेंटेंस है ये तैयार है इसको हम लोग इंटरोगेटिव कर सकते हैं अच्छे से देखिए फर्स्ट वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट पार्ट जो पहला वाला वर्ब है यहां पे पहला वाला वर्ब है इज तो जो फर्स्ट वर्ब है वो सब्जेक्ट पार्ट के पहले आ जाएगा मतलब सब्जेक्ट पार्ट है शी जिसका हम लोग डुअर भी बोल, बोले थे कभी डूअर या सब्जेक्ट पार्ट तो इज जो होगा वो शी के आगे आ जाएगा फर्स्ट वर्ब है इज तो फर्स्ट वर्ब भी आएगा दूसरा कोई वर्ब नहीं आएगा फर्स्ट वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट पार्ट तो सेंटेंस क्या हो जाएगा ंग टू मार्केट और कभी भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तो क्वेश्चन के लास्ट में हम एक इंटेरोगेशन का साइन यूज करते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन साइन भी बोलते हैं क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं एक क्वेश्चन वाला एक चिन्ह हम वहां पर देते हैं सो दिस इज द वे वी डू इंटेरोगेटिव सेंटेंस शी गोइंग टू मार्केट क्या वो मार्केट जा रही है क्या वो बाजार जा रही है ऐसे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं एंड आई फील कि आप लोग समझ रहे हो uh, मैं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा लेकिन उससे पहले मैं, मैं एक और आपको सेंटेंस दिखा रहा हूं शी फील्स गुड दिस इज द सेंटेंस शी फील्स गुड वो अच्छा फील करती है अब मगर अगर इसको मुझे इंटरोगेटिव करना हो वही फिर से आ रहा है कि मिनिमम दो वर्ब मैंडेटरी है। अब आप देखो यहां पे ये सेंटेंस में तो सिर्फ एक ही वर्ब है दैट इज फील्स और हमने ये पढ़ा था कि जब भी भाई एक वर्ब कम हो तो वहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ब लाना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा वर्ब आता है वो हमेशा डू वर्ब से आता है डूडर्ब एज अ फर्स्ट वर्ब डेक द फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब अच्छे समझिए यहाँ यहाँ पे यहां पे हमें एक एक्स्ट्रा वर्ब चाहिए जो डू वर्ब होगा अब डू वर्ब में कौन बैठेगा भाई डू बैठेगा कि डस बैठेगा कि डिड बैठेगा ये डिपेंड कर रहा है कि ये सेंटेंस में जो ऑलरेडी जो वर्ब है ना फील्स फील्स क्या है प्रेजेंट टू है

और प्रेजेंट वन डू का क्या होता है डज तो सेंटेंस हो जाएगा शी डज फील गुड फिर फील्स नहीं आएगा क्योंकि हमें पता है डू के बाद कोई भी जब वर्ब बैठता है तो वो मदर फॉर्म में होता है ठीक है सो so, सेंटेंस में अभी दो वर्ब हो गए शी डज फील गुड अब दो आ गया तो फिर वही कौनसे पहला वाला जो वर्ब है वो सब्जेक्ट पार्ट के पहले आ जाएगा तो सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा does she feel good? तो आपको पता होना चाहिए does कहां से आया एक एक्स्ट्रा वर्ब था जो आया था सेंटेंस में डस क्यों था क्योंकि ऊपर में फील्स था इसीलिए डस आया सो so, सेंटेंस हो गया शी फील गुड उसके बाद हमने पहले वाले वर्ब को एकदम आगे लेके आ गया डज तो सेंटेंस हो गया डज शी फील गुड साइन ऑफ इंटरोगेशन तो सेंटेंस हो गया डज शी फील गुड डज शी फील गुड चलिए इस बार एक लास्ट एक ऑप्शन देखते हैं इससे आपको और समझ में आएगा यहां भी देखिए आप देर इज ऑनली वन वर्ब स्पोक स्पोक इज अ वन वर्ब लेकिन हमें पता है मिनिमम टू वर्ब्स आर मैंडेटरी अब एक वर्ब है तो हम क्या करेंगे एक एक्स्ट्रा वर्ब लेके आएंगे और एक्स्ट्रा वर्ब हमेशा डू फैमिली से होगा ये भी आपको पता है अब डू होगा कि डज होगा कि डिड होगा ये डिपेंड करता है ये जो स्पोक है ये जो फॉर्म है स्पोक ये पास्ट है तो डिड आएगा डू का भी डिड आएगा पास्ट सो सेंटेंस हो जाएगा शी डिड स्पीक टू मी क्योंकि डिड के बाद फिर कोई वर्ब बैठेगा तो वो मदर फॉर्म बैठेगा तो शी डिड स्पीक टू मी शी डिड स्पीक टू मी तो दो वर्ब हो गया डेड एंड स्पीक अब क्या होगा डिड शी के आगे आ जाएगा सो so सेंटेंस हो जाएगा आपका डिड शी स्पीक टू मी डिड शी स्पीक टू मी क्या उसने मुझसे बात किया था डिड शी स्पीक टू मी So, हमने तीन चीज किया एक तो एक्स्ट्रा वर्ब लाके उसको वहां पे यूज किया दूसरा चीज एक साइन ऑफ इंटोरिगेशन ए क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया और थर्ड व्हाट वी आर डूइंग हमारा जो टोन है बोलने का एक जो टोनालिटी है वो भी क्वेश्चन जैसा बोलने का होगा डिड यू स्पीक टू मी हम ऐसे नहीं बोल सकते डिड यू स्पीक टू मी डिड यू स्पीक टू मी ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं बोलता जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपको आपका टोन चेंज करना पड़ेगा हो जाएगा वो डिड शी स्पीक टू मी सो दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ओके नाओ मैं आपको एक टास्क देता हूं वन बाई वन मैं सबको देता हूं uh, आप लोग बताओगे मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं आपको उसका पूरा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पूरा टेंस पूरा टेंस निकालना है इंटेरोगेटिव जैसे हमने का निकाला, था, का निकाला है, वैसे इंटेरोगेटिव के सारे सेंटेंसेस होने चाहिए और आई गिव यू फाइव मिनट्स उससे ज्यादा नहीं देंगे सो योर सेंटेंसेस यू You You know me. You know me. me. This is the sentence. You know me. आपको क्या करना है अपनी कॉपी में सब बारह जो सेंटेंसेस है उसको टेंस में लिखना है लेकिन वो फॉर्म होना चाहिए इंटेरोगेटिव सारे सेंटेंसेस क्वेश्चन होंगे इंटेरोगेटिव फॉर्म होंगे सो आई एम गिविंग यू फाइव मिनट्स प्लीज आप इसको अभी करके मुझे दीजिए Do you know me? Are you knowing me? Have you known me? Have you been knowing me? Did you know me? Uh, were you knowing me? Had you known me? Had you been knowing me? Will you know me? Will you Will you be knowing me? Uh, will you have known me? will you have been knowing me okay uh, uh, what did you say in future interrogate future indefinite will you know me will you Known me known yeah no know? will you know me acha will you know me yeah absolutely very nice very good Savitaji. very nice